Hello students, I am Divya Kashyap from SuccessCDs Education. I am here as a science expert. So, aaj hum shuru karte hain science ka chapter class 10th ka. So, let's start with transportation part of life process. That is part 3 of chapter 6. जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो, आपको पता है कि हमारी बॉडी में इस तरह से सारी वेसल्स होती हैं, ठीक है? आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे हो, हार्ट भी विजिबल है, बहुत सारी वेसल्स हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी बॉडी में चीजों का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है. लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कंपोजिशन, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रीसस फैक्टर, हार्ट, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, लिम्फैटिक सिस्टम, प्लांट ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम एंड असेंट ऑफ सैप. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में ज़रूरी क्यों है या क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन. तो सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कोई भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इसी को आप ट्रांसपोर्टेशन बोलते हो ना. तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ों का ज़रूरत है. हम ऑब्वियसली हम यही सोचेंगे ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो होता है एक जगह से दूसरी जगह का चीज का पहुंचना, पर हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज है. हमारी बॉडी में है फूड, हॉर्मोन्स, गैसेस और ऐसे और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कहीं और होते हैं और उनका रोल कहीं और होता है. जैसे आप फूड को ही ले लो, अगर आप फूड खाओ ठीक है, अगर हम फूड खाएं तो फूड तो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में ही जाएगा ना, लेकिन जो फूड है वो सारे बॉडी सेल्स में चाहिए, जो कि डाइजेस्टिव पार्ट का आप कह सकते हो डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है या नहीं है, लेकिन फूड सारे बॉडी सेल्स के अंदर चाहिए. तो इस फूड को बॉडी के अंदर हर जगह पे हमें पहुंचाना तो पड़ेगा ना. तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो वही हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह पे चीज का पहुंचाना. ऐसे ही हॉर्मोन सिंथेसाइज करते हैं हमारी बॉडी में ग्लैंड्स. आप कह सकते हो ग्लैंड्स कहीं और है और हॉर्मोन्स का फंक्शन कहीं और है, तो उसमें भी आपको उस हॉर्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ेगा. सिमिलरली गैसेस, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था दैट फॉर सर्वाइवल वी नीड टू रेस्पायर, ठीक है? तो जो गैसेस है वो आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है, सारे बॉडी सेल्स के अंदर तो नहीं है ना. तो उन गैसेस को आपको पहुंचाना पड़ेगा हर बॉडी सेल तक, ऑक्सीजन को सारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा और सारे सेल्स से CO2 वापस से रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर लानी पड़ेगी. तो इसका मतलब ये सब चीजें क्या हो रही है, ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्ट हो रही है. तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है वो मस्ट है, क्योंकि हमें चीजों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है सारे बॉडी सेल्स में. अब इसके लिए हमारे पास है एक सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जो कि चीजों को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है. समझ गए ना कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी और कौन सी चीजें हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. अब हमारी बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम है उसका जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जो चीजों को सर्कुलेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. तो दो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे, आप कह सकते हो बॉडी के अंदर. एक हमारे पास है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हमारे पास है लिम्फैटिक सिस्टम. जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, ये जो ब्लू एंड रेड सारी वेसल्स आप ये मैन की बॉडी के अंदर देख रहे हो, दिस इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. और ये जो आप देख पा रहे हो इस पिक्चर के अंदर, ये जो ग्रीन वेसल्स आपको सारी दिख रही हैं, ये भी इसी की तरह लग रही है, लेकिन दोनों के फंक्शंस में कुछ फर्क है. आप कह सकते हो दोनों के पार्ट्स में कुछ फर्क है. ये सारी जो वेसल्स है ये सब मिलके बनाती है लिम्फैटिक सिस्टम.
तो ये सारा हमारा इस फिगर में शो हो रहा है लिम्फैटिक सिस्टम, और इस फिगर के अंदर शो हो रहा है हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी में ये दो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक लिम्फैटिक, जो कि चीजों के ट्रांस। अब ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आप कैसे, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर जो चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, जो फ्लूइड इसके अंदर यूज होगा, जिसके अंदर चीजें मिक्स होंगी और जगह जगह पे हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेंगी, तो उस फ्लूइड का नाम है ब्लड। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक फ्लूइड है जिसके अंदर चीजें मिक्स हो जाती हैं और वहां से वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है, और उस फ्लूइड को हम बुलाते हैं ब्लड। तो सबसे पहले हम ब्लड को जानते हैं कि ब्लड एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, और आप सबको पता है जैसे आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो वहां से एक फ्लूइड बाहर निकलता है रेड कलर का, दैट इज ब्लड। अब ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एक तो इसके अंदर है प्लाज्मा और एक है इसके अंदर ब्लड सेल्स। तो ब्लड एक फ्लूइड है, सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। ब्लड दो कंपोनेंट से बना हुआ है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, एंड दिस इज ब्लड एज यू ऑल नो। अब ब्लड की कंपोजिशन जैसे कि हमने बात करी, ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है और ब्लड सेल्स भी है। जैसे कि आप इस फिगर को देख पा रहे हो, ये ब्लड सैंपल है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इस ब्लड को थोड़ी देर रखा गया तो हमने देखा कि तीन कंपोनेंट्स इसके अंदर से सेपरेट हो गए। कुछ टेक्निक्स को यूज किया जिससे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं दे गॉट सेपरेटेड। एक तो ये पार्ट आ गया रेड कलर का, एक ये आपके पास कलरलेस सा पार्ट दिख रहा है, और एक ये येलो पार्ट है, ठीक है। तो ये जो येलो पार्ट है दिस इज एक्चुअली प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, एक येलो कलर का फ्लूइड है। ये तो आपको क्लियर हो गया ना, यू कैन सी दिस पिक्चर एंड यू कैन सी दैट दिस प्लाज्मा इज येलो इन कलर। सो ऑब्वियसली प्लाज्मा इज येलो कलर्ड फ्लूइड। अब ये बना किससे होता है, इट इज 90% वॉटर। 90% इसके अंदर क्या है, वॉटर, एंड 10% इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब 10% इसके अंदर वो चीजें हैं सारी, जिसमें हमारे पास सारी चीजें आ जाती है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें हमें यहां से वहां पास करनी है, दैट इज ऑल इन प्लाज्मा। अब क्योंकि ये सब चीजें प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए जो प्लाज्मा है वो एक तरह से न्यूट्रिटिव मीडियम की तरह एक्ट करता है। न्यूट्रिटिव मीडियम मतलब इसके अंदर ब्लड सेल्स सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास समझ लो ये प्लाज्मा हो गया, ठीक है, और इसके अंदर ब्लड के सेल्स हो गए, जो कि अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी तरह के होते हैं। अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो ब्लड सेल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और प्लाज्मा के अंदर ही क्यों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जिसके करके आप कह सकते हो दे एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द ब्लड सेल्स। ये जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हो, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये ब्लड सेल्स है। ये प्लाज्मा के अंदर तभी रह पाते हैं क्योंकि प्लाज्मा में न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। अब हमने दूसरी कंपोजिशन में पढ़ा कि एक तो ब्लड के अंदर है हमारे पास प्लाज्मा, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा क्या है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स, तीन तरह के ब्लड सेल्स हमें ब्लड में मिलते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये तीनों तरह के सेल्स जो है हमें हर तरह के ब्लड में, ये नहीं कि सिर्फ मेरे ब्लड में, सबके ब्लड में ये तीन तरह के सेल्स हमें मिलते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो पहले हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, कितनी सुंदर आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये सब रेड ब्लड सेल्स हैं। दीज आर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इनकी शेप आपको कैसी लग रही है, दे आर डिस्क लाइक। इनकी शेप कैसी है, डिस्क लाइक। लेकिन ये एक इनकम्प्लीट सेल है। ये सारे सेल्स क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब इनके अंदर कुछ चीज मिसिंग है, और वो चीज क्या है, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे डोंट हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मतलब
ना तो न्यूक्लियस है जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है जिसके अंदर पूरा न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिससे सेल सेल बना पाता है आगे, वो मिसिंग है इसके अंदर, और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी ऑर्गेनाइज है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये एक इनकम्प्लीट सेल है और ये हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल है। तो अगर वो क्वेश्चन आता है कि नेम स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप झट से लिख दीजिएगा कि दैट इज आरबीसी, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। अब आप फिगर में देख पा रहे हो ये सारे सेल्स आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, है ना। ये रेड कलर के इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जो किससे बना है, आयरन से, जो किससे बना है, आयरन से। ये आयरन का सिंबल होता है और इस पिगमेंट को जो इनको रेड बना रहा है उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, उस पिगमेंट का नाम है हमारे पास हीमोग्लोबिन। तो आप समझ गए ना कि आरबीसी क्या होते हैं, और भी हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इनका जो नंबर है हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा है, सारे ब्लड सेल्स में से सबसे ज्यादा जो सेल्स है हमारी बॉडी में वो क्या है, आरबीसी। इसी का कारण है कि जो ब्लड है उसका कलर क्या है, रेड। अब देखो कितना नंबर होगा, कितने सारे होंगे ये ब्लड के अंदर कि ब्लड का कलर ही रेड हो चुका है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेड कलर का पिगमेंट, इसका काम क्या है या आरबीसी का जनरल फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस आपने पढ़ा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम रेस्पिरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमने ये पढ़ा था कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, तो वो ब्लड में कौन एक्चुअली करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है, आयरन का बना हुआ जो हमने ये अभी प्रोटीन पढ़ा, दैट इज हीमोग्लोबिन। कैसे करता है, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर, ये भी हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। कौन से कॉम्प्लेक्सेस, जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, कार्बन डाइऑक्साइड को करना है तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अबाउट आरबीसी की भी, मतलब उसमें क्या रेड क्यों दिखता है, कितने सारे हैं वो ब्लड के अंदर, और वो कैसे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो, इसके अंदर ये देखिए ये आयरन से बना हुआ, ये सारे आयरन स्ट्रैंड्स हैं, ये प्रोटीन है पूरा पार्ट। काफी ज्यादा डिटेल तो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हमने ये फिगर रखी है यहाँ पे कि ऑक्सीजन को बाइंड करके या कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर चार आयरन होते हैं, एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं, चार, और एक आयरन एक ऑक्सीजन को आप कह सकते हो बाइंड कर सकता है। तो आप देखो कि भी जो ये आयरन है दैट कैन बाउंड सो मेनी ऑक्सीजन एंड इट कैन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये आरबीसी बनते का है, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आरबीसी हमारी बॉडी में बनते का है। दे आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो ऑफ अडल्ट्स, मतलब जो अडल्ट्स हैं बड़े हैं उनकी बॉडी में किससे बनते हैं, ये बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है, जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो तो बोन की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बुलाते हैं, बोन मैरो। यहां पे एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है वो एक बेसिक सेल्स है जो आगे और ब्लड सेल्स बना रहे हैं, जिसमें से आरबीसी भी इज वन ऑफ देम। और एक आरबीसी का लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज होता है। अब क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ये एक आरबीसी दूसरा आरबीसी तो नहीं बना सकेगा, ठीक है। तो आरबीसी ने फाइनली क्या करना है, जो बन गया है उसने डेड होना है, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 120 डेज। अब ऐसे तो आप सोचोगे कि इतने सारे आरबीसी हमारे मर रहे हैं, 120 डेज पे मरते रहेंगे तो हमारी बॉडी में तो ब्लड की कमी हो जाएगी, आरबीसी की कमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप समझो कि कुछ आरबीसी आपकी बॉडी में बन टूट रहे हैं, ठीक है, तो उसे 10 टाइम्स ज्यादा आप डेली अब आपकी बॉडी में बन भी रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स देयर लाइफ स्पैन इज 120 डेज एंड दे आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन न्यूमरस इन आर ब्लड। आरबीसी का दूसरा नाम, एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। अब अडल्ट्स के अंदर तो ये बोन मैरो में बनते हैं, इन्फेंट्स के अंदर जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनका बोन मैरो इतना डेवलप नहीं होता, तो उनमें किससे बनते हैं, ये स्प्लीन से। स्प्लीन इज ऑल्सो अ ऑर्गन लाइक लिवर, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ये स्टमक है, स्टमक के साथ ये लिवर जैसा एक पार्ट दिख रहा है, दिस इज स्प्लीन। तो इन्फेंट्स के अंदर आरबीसी कहां बनते हैं, स्प्लीन के अंदर। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी, दूसरी तरह के ब्लड सेल्स, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स।
जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स। इनकी जो शेप है वो कैसी है? इरेगुलर। ये तो आपको फिगर से ही क्लियर है, दे आर इरेगुलर शेप, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम द सेल्स इन द बॉडी विच आर इरेगुलर इन शेप, तो आप लिख दीजिएगा कि इट इज WBC। ये कंप्लीट सेल है, इनके अंदर सब कुछ है, न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइल्स, एवरीथिंग दे हैव, लेकिन इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है हीमोग्लोबिन जैसा। इसी का कारण है कि इनका कोई कलर नहीं है, ठीक है, दे आर व्हाइट इन कलर, तभी इनका नाम भी व्हाइट ब्लड सेल्स है। इनका लाइफ स्पैन है हमारे पास 2 to 4 weeks, ये इतने टाइम तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। ये भी कहाँ बनते हैं? स्टेम सेल्स से, अभी हमने पर डिस्कस किया, दे आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम स्टेम सेल्स। इनका दूसरा टेक्निकल टर्म जो इनके लिए यूज करते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइट्स। अब इनका फंक्शन की अगर हम बात करें तो इनको खास नाम से एड्रेस किया जाता है, दे आर सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी। सोल्जर्स कौन होते हैं? जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन है? WBC, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स। जो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? या तो उस इन्फेक्शन को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं ये, या फिर ये उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जो इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स को क्या कर देता है? हार्मलेस, मतलब ताकि आपको उन इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से आप कह सकते हो ये हमारे को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दे आर सोल्जर्स ऑफ अ बॉडी। अब हमारे पास है प्लेटलेट्स, तीसरा पार्ट। जो प्लेटलेट्स होती है वो टाइनी फ्रेगमेंट्स होते हैं। आप फिगर देखिए, ये आपको दिख रहा है, दे आर लाइक टाइनी फ्रेगमेंट्स, दे मे और मे नॉट हैव न्यूक्लियस। तो इनमें न्यूक्लियस हो भी सकता है और न्यूक्लियस नहीं भी। इनका मेन फंक्शन रहता है ये कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि आपको चोट लगी, खून निकल गया, ठीक है, तो वो खून को बंद तो करना है ना हमें, तो वो खून बंद कैसे होगा? ब्लड क्लॉटिंग होगी। तो वो क्लॉटिंग कौन कराता है? कुछ प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज कौन करती हैं? प्लेटलेट्स। इनको भी एक टेक्निकल टर्म से बुलाया जाता है, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। सो दिस इज हाउ द प्लेटलेट्स लुक लाइक। तो आप समझ गए ना कि जो ब्लड है वो हमारा प्लाज्मा और RBC, WBC और प्लेटलेट से बना हुआ है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब हम एक फिनोमिना देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपको कोई चोट लगती है तो वहां से क्या निकलता है? खून निकलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उस कट से अगर खून निकल रहा है तो उस खून को आपको बंद नहीं करना है। खून तो, अगर ज्यादा खून निकलेगा तो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड आपकी बॉडी को नुकसान होगा। तो ये हमारा एक, आप कह सकते हो, हमारी बॉडी का सेल्फ फिनोमिना है कि जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड बंद थोड़ी देर बाद हो जाता है। आपको कोई चोट लगती है, खून निकल रहा है तो कुछ देर के बाद ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। तो दैट फिनोमिना इज ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड इंटू जेली लाइक स्टेट ऑन एक्सपोजर टू एयर। मतलब जो लिक्विड स्टेट है ब्लड की, वो एक जेली लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। अब हम देखते हैं ये कैसा होता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, ये देखो आप, ब्लीडिंग हो रही है, ये ब्लीडिंग कुछ देर के बाद बंद हो जाएगी। ये कौन कराएगा? इट विल बी स्टॉप बाय द प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज बाय प्लेटलेट्स। और वो प्रोटीन्स कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ये दोनों की दोनों प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराती है। तो देखते हैं क्या मैकेनिज्म होता है। लेट्स से आपको इंजरी हुई, ठीक है, वहां पे उस साइड पे प्लेटलेट्स आ जाती है। वो प्लेटलेट्स मिलकर आप एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। इसका फंक्शन है कि ये जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर प्लेटलेट्स ने डाली हुई है प्रोथ्रोम्बिन, इसको कन्वर्ट करती है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन एक एक्टिव एंजाइम है। ऐसा करने में कुछ कैल्शियम आयंस भी हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन है, इट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। फिब्रिन एक फाइबर्स की तरह होते हैं, ठीक है, फिर ये फाइबर्स RBC के अंदर इंटैंगल हो जाते हैं। अब आप देखिए, RBC एक सेल है, उसके अंदर अगर फाइबर्स ऐसे इंटैंगल हो गए तो इट विल फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। तो आप समझ गए ना
कि किस तरह से ये जो लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ब्लड क्लॉट. देन शुरू में ये क्लॉट नेचर में सॉफ्ट होता है, अगर किसी का हाथ लग जाए या कुछ तो ये मतलब ब्लीडिंग फिर से शुरू हो जाती है, पर कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में आप कह सकते हो इट टर्न्स इनटू अ हार्ड क्लॉट. और उसके बाद एक इसमें से येलो कलर्ड फ्लूइड सिक्रीट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, सीरम. येलो कलर का लिक्विड निकलता है विच इज सीरम. सीरम क्या होता है, सीरम प्लाज्मा ही होता है, बस उसके अंदर फिब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होती क्योंकि जो फिब्रिनोजन है वो यूज हो चुकी होती है पूरी आरबीसी के अंदर इंटेंगल होकर क्लॉट बनाने के लिए. तो सीरम का मतलब है प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन. और ये ब्लड क्लॉटिंग को पूरा हमारे प्रोसेस को टाइम लगता है 2 to 3 minutes. अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ. हम जो आगे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उससे पहले वी शुड बी फैमिलियर विद दीज टर्म्स. सो वी हैव एंटीजन्स. एंटीजन्स हम किनको बुलाते हैं, दे आर द इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स दैट कैन हार्म द बॉडी. कोई भी चीज आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है विच इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ बॉडी एंड कैन बी हार्मफुल टू यू, दे आर कॉल्ड एज एंटीजन्स. और एंटीबॉडीज जो एंटीजन्स को खत्म करने के लिए जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होती है जिनका काम होता है एंटीजन के साथ लड़ना और उनको हार्मलेस बनाना, उनको हम क्या बुलाते हैं, एंटीबॉडीज. तो एंटीजन्स जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर हुए उनके रिस्पॉन्स में जो बना हमारी बॉडी में उनको खत्म करने के लिए दे आर एंटीबॉडीज. सो नाउ वी हैव ब्लड ग्रुप्स. हमारे ह्यूमंस में 4 major type ऑफ ब्लड ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है. कौन कौन से देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ. जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर आप कह सकते हो बाय बर्थ ही या आप कह सकते हो उसका कंपोजिशन के अंदर ही ब्लड ग्रुप ए में एक एंटीजन रहता है ए, ठीक है. ये एंटीजन अपने जैसे पढ़ा अभी जो एंटीजन है वो हमें हार्म कर सकता है, पर ये जो एंटीजन ए है जो ब्लड ग्रुप ए के अंदर रहता है ये इसको कोई हार्म नहीं करता, ठीक है. मतलब ये इसका एक तरह से आप कह सकते हो कंपोजिशन का पार्ट है. और एंटीजन ए के रिस्पॉन्ड में ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी होती है बी. ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन होता है बी और एंटीबॉडी होती है ए. जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके अंदर एंटीजन्स होते हैं ए एंड बी और उसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं रहती, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है. और जो ब्लड ग्रुप होता है ओ उसके अंदर एंटीजन कोई भी नहीं होता, कोई भी एंटीजन उसका पार्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडीज सब तरह की होती है, ठीक है. तो 4 blood groups हो गए हमारे पास, ए बी ए बी एंड ओ, और इनके ये स्पेसिफिक एंटीजन्स और एंटीबॉडीज हो गए. यहाँ पे जो एंटीजन्स है यहाँ पे आपको एंटीजन्स को स्मॉल लेटर्स में लिखना है. एंटीजन्स को कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर्स में. और एंटीबॉडीज को भी आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर ही डिनोट करना है. आपको कहीं पे ये बिग लेटर्स भी मिल सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी मिल सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज ओके टू राइट इन स्मॉल लेटर्स. Likewise here also small letters, ठीक है. तो अब आप जान गए ना कि हमारी बॉडी में 4 blood groups रहते हैं और उनकी कंपोजिशन में उनके अंदर कौन से एंटीजन और एंटीबॉडीज रहते हैं. अब हम एक टेक्निक करने वाले हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसी टेक्निक है हु कैन रिसीव फ्रॉम हुम एंड हु कैन डोनेट टू हुम. मतलब आप किससे ब्लड रिसीव कर सकते हो और ब्लड आप किसको डोनेट कर सकते हो. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है किससे ब्लड लेना और किसको ब्लड देना. तो हम एक सिंपल वे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू सिक पर्सन. एक हेल्दी पर्सन से सिक पर्सन में ब्लड को ट्रांसफर करना, जैसे कि आप देख पा रहे हो वन इज हेल्दी पर्सन एंड दी अदर इज सिक पर्सन. तो जो हेल्दी पर्सन से आप सिक पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफर कर रहे हो दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो इसमें एक डोनर रहता है जो डोनेट करता है, दैट इज डोनर, जैसे कि आप देख पा रहे हो ही इज डोनर, एंड द अदर हु रिसीव्स इज द रेसिपिएंट.
ही इज रेसिपिएंट। ब्लड डोनेट करते समय कुछ बातें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि आप किसी का भी ब्लड किसी के अंदर भी डाल दो। तो देखते हैं, व्हेन ब्लड इज टू बी ट्रांसफ्यूज्ड स्पेशल प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन। फर्स्ट, जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए और आप उसके अंदर ब्लड डाल दो, आप कह सकते हो बी का, ठीक है, ऐसा नहीं। तो मतलब ब्लड ग्रुप्स मैच होने चाहिए। दूसरा, जो ब्लड है वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, वो डिजीज फ्री होना चाहिए। जैसे यहां से आप ये डोनर है, इनका ब्लड इसमें डाल रहे हो, तो इनका ब्लड ग्रुप जो है वो मैच होना चाहिए, और ये पर्सन हेल्दी होने चाहिए। हेल्दी का मतलब यही है कि इनका जो ब्लड है उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी ये दो कंडीशंस हम सेटिस्फाई कर लेते हैं, सेम ब्लड ग्रुप भी और ब्लड डिजीज फ्री भी है, फिर भी क्योंकि ये ब्लड की बात है और ब्लड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो फिर भी प्रिकॉशन से हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट। तो डॉक्टर्स ट्रांसफ्यूज करने से पहले हमेशा एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट जरूर करते हैं ताकि रिस्क फैक्टर नहीं रहे। तो इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है, इस स्लाइड पे डोनर के ब्लड की ड्रॉप ले लेते हैं, मतलब जो बंदा ब्लड डोनेट करने वाला है उसके ड्रॉपलेट ले लेते हैं यहाँ पे, और इसी के ऊपर एक रेसिपिएंट की ब्लड की ड्रॉपलेट डाल देते हैं। इस चीज को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब, फिर उसके बाद इसको माइक्रोस्कोप से विजुलाइज करते हैं। अगर तो हमें लगे कि सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट है, कहीं पे क्लस्टर्स नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा ब्लड कंपैटिबल है। लेकिन अगर आपको उसके अंदर इसको विजुलाइज करने पे कहीं कहीं पे आप कहो कि इस तरीके से आपको सेल्स के क्लस्टर्स दिख रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसा ब्लड कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। हमें ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो जिसके अंदर डालेंगे उनको बल्कि प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही फिगर में आप देख पा रहे हो, ये जो ब्लड है इसके अंदर आपको क्लस्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये ब्लड कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है, और इसके अंदर ब्लड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लड के सेल्स, तो ऐसा ब्लड कंपैटिबल है, आप डोनेट कर सकते हो। तो इसमें आपको लिखना ये है, टेक अ ड्रॉप ऑफ डोनर्स ब्लड ऑन द स्लाइड, उसमें एक ड्रॉप रेसिपिएंट ब्लड की डालो, उसको छोड़ दो आप कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, देन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप इफ क्लस्टर्स ऑफ आरबीसीज आर सीन। जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हो, कहीं कहीं पे आपको ऐसे आरबीसी इकट्ठे मिल रहे हैं, ऐसे क्लस्टर्स दिखे तो ब्लड क्या है, इनकम्पैटिबल। लेकिन अगर आपको क्लस्टर्स ना दिखे जैसे कि इस फिगर के अंदर है, तो ऐसा ब्लड क्या होता है, कंपैटिबल, आप विदाउट टेंशन ऐसा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। तो जो लेने वाला है ब्लड, जो रेसिपिएंट है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। तो हमने ये देखा कि जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है वो ओ को भी दे सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके से होता है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो स्टार्ट करते हैं ओ वाले से। ओ वाला अगर रेसिपिएंट, मतलब ओ वाला किससे ब्लड ले सकता है, तो ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही डोनेट कर सकता है, ना ए कर सकता है, ना बी कर सकता है, ना ए बी कर सकता है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए है उसको ओ भी डोनेट कर सकता है, ए भी कर सकता है, ना बी कर सकता है, ना ए बी कर सकता है। जो बी वाला है उसको ओ भी डोनेट कर सकता है और बी भी कर सकता है। जो ए बी है वो देखिए किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है वो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, हमने पढ़ा था, और सारी एंटीबॉडीज है, तो ऐसा ब्लड ग्रुप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए इन सारे ब्लड ग्रुप्स में आपने ओ का नाम पढ़ा। लेकिन जो ए बी है, ए बी क्या है, हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, आपने देखा उसको सब ब्लड दे सकते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे एंटीजन्स हैं और कोई एंटीबॉडीज नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। बाकी सब में आप ओ लिख सकते हो, और दूसरा जो डोनेट कर सकता है ए वाला, तो ओ के अलावा ए भी कर सकता है, ऐसे ही बी में ओ के अलावा बी, मतलब सेम ब्लड ग्रुप वाला भी कर सकता है,
ओ को सिर्फ ओ ही डोनेट कर सकता है और ए बी को सब डोनेट कर सकता है. सो दिस इज व्हाट के भी आप कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा दूसरे ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है. अब हमारे पास है एक टर्म रीसस फैक्टर. अब आपने ये भी सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, सम ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, है ना. तो वो पॉजिटिव नेगेटिव व्हाट इज दैट, दैट इज एक्चुअली रीसस फैक्टर. वो क्या है हमारे पास, रीसस फैक्टर. रीसस फैक्टर एक एंटीजन है जो किसी के ब्लड में हो भी सकता और किसी के ब्लड में नहीं भी हो सकता. जिसके ब्लड में ये प्रेजेंट है वो आरएच पॉजिटिव होता है, मतलब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव इस तरीके से. एंड द वन विच डज नॉट पोजेस इज आरएच नेगेटिव, लाइक समबडी इज बी नेगेटिव, लाइक वाइज लाइक आई एम बी पॉजिटिव. तो मीन्स मेरा ब्लड ग्रुप बी है और मेरे अंदर आरएच फैक्टर भी है, दैट इज व्हाई माय ब्लड इज बी पॉजिटिव. ठीक है. अब आप ये याद रखिए, जिसके अंदर ये पॉजिटिव ब्लड होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड है ए पॉजिटिव, तो वो ले भी ए पॉजिटिव वाले से ही सकता है. रीसस फैक्टर को भी हम एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कंसिडर करते हैं, एक फैक्टर कंसिडर करते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है कौन किसको नहीं दे सकता. क्योंकि जिनके अंदर रीसस फैक्टर प्रेजेंट है वो उनके ब्लड का कंपोजिशन है, उनको वो चीज चाहिए अपने अंदर. लेकिन जिसके अंदर ये नहीं प्रेजेंट उसके लिए ये एक तरह से फॉरेन पार्टिकल है, मतलब एंटीजन है जो कि हार्मफुल हो सकता है. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ये आरएच पॉजिटिव है, दिस इज आरएच नेगेटिव. पॉजिटिव में आप देख पा रहे हो कि एक अलग तरह का एंटीजन दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन, दिस इज आरएच फैक्टर. और जो आरएच नेगेटिव होते हैं लोग उनका ब्लड इस तरीके से हमें सेल्स दिखते हैं. सो दिस इज व्हाट इज रीसस फैक्टर. आपको याद रखना है द वन हु इज पॉजिटिव इज कंफर्टेबल विद दैट रीसस फैक्टर, but one who is negative is not at all comfortable. That person is actually, you can say, can suffer if some antigen rhesus factor may enter into his blood. तो हमें ध्यान रखना है, positive negative भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमें याद रखना है blood transfusion कराने के लिए. अब हम बहुत important topic से start कर रहे हैं, that is heart. हार्ट एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज हार्ट, हार्ट क्या है. हार्ट हमारे अंदर एक मस्कुलर वॉल्ड ऑर्गन है, मतलब मसल से बना हुआ ऑर्गन जिसका काम है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाना, हर बॉडी सेल तक पहुँचाना. अब इसका साइज कैसे होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब बंद मुट्ठी जब आप करते हो तो जैसा आप स्ट्रक्चर देखते हो, साइज देखते हो, उतने साइज का हार्ट हमारे अंदर होता है. ठीक है. इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, रफली हम इसको दो साइड्स में डिवाइड करते हैं. ये फिगर हम बाद में डिस्कस करते हैं, एक रफ फिगर मैं आपके लिए बनाती हूँ. प्लीज डोंट यूज दिस फिगर इन एग्जाम्स, दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, राइट. देखिए इस तरीके से हम एक हार्ट के चैम्बर्स बना लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज कवरिंग, एक मिनट बना लेते हैं इसकी हम. ठीक है. सो दिस इज हार्ट. हार्ट इज रफली डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ये हार्ट की लेफ्ट साइड हो गई और ये हार्ट की राइट साइड हो गई. जैसे कि फिगर में भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड. ये फुल इज राइट, दिस फुल इज लेफ्ट. अब जो लेफ्ट साइड है वो डील करती है प्योर ब्लड के साथ. प्योर ब्लड क्या होता है, प्योर ब्लड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट हाई है और CO2 का कंटेंट लो है. ठीक है. और जो राइट साइड है वो डील करती है इम्प्योर ब्लड के साथ, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट लो है और CO2 का कंटेंट हाई है. तो आप समझ गए ना कि जो लेफ्ट साइड है प्योर ब्लड और जो राइट साइड है दैट डील्स विद इम्प्योर ब्लड. अब जो ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, इसमें जो आउटर कवरिंग बनाई मैंने, जो ये हार्ट को सराउंड कर रही है, ठीक है, इन हार्ट के चैम्बर्स को सराउंड कर रही है, दैट इज पेरिकार्डियम. सो द आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम. और हार्ट के अंदर एक स्पेशल तरह की मसल्स होती हैं जो आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़कर आए हो. एक ऐसी मसल्स हमारी बॉडी की जो नॉन फेटीक होती है, मतलब वो कभी थकती नहीं है, वो थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है. और उन मसल्स का नाम है कार्डियक मसल्स. तो आप समझ गए ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड डील्स विद प्योर ब्लड, राइट साइड डील्स विद इम्प्योर ब्लड.
pericardium, outer covering और cardiac muscles. अब जो heart है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि heart का काम है blood को pump करना. Heart का काम है blood को pump करना. अब जो blood pump होगा, वो body parts में किसी तरह तो पहुँचेगा. तो जो blood को लेकर जाती हैं पूरी body के अंदर, उनको हम क्या बुलाते हैं? Vessels. ये आप देख रहे हो फिगर के अंदर, ये जो ब्लू रेड कलर की बहुत नेटवर्क ऑफ आप कह सकते हो वेसल्स दिख रही है आपको, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि लेकर जाते हैं ब्लड को, इनको हम बुलाते हैं वेसल्स. अब तीन तरह की वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. जो आर्टरीज है, आर्टरीज वो होती है जो काफी थिक वॉल्ड वेसल्स होती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड का प्रेशर काफी हाई रहता है. और इनका काम क्या है, ये एक तो प्योर ब्लड कैरी करती है, कहां से? हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक. तो तीन बातें आप आर्टरीज के बारे में याद रखोगे, आर्टरीज थिक वॉल्ड है, ठीक है, आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है, और आर्टरीज जो ब्लड कैरी करती है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में करती है. ऐसे ही हमारे पास दूसरा आ जाता है वेन्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेन्स. जो वेन्स है हमारे पास वो काफी थिन वॉल्ड वेसल्स है, ठीक है. ये क्या कैरी करती है? दे कैरी इम्प्योर ब्लड. कहां से? बॉडी पार्ट से हार्ट तक. तो आप समझ गए, ये थिक वॉल्ड है, ये थिन वॉल्ड है, ये प्योर ब्लड कैरी करती है, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है. ये ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है, ये बॉडी पार्ट से हार्ट में लेकर आती है, ठीक है. अब जो आर्टरीज और वेन्स है, जैसे सपोज ये एक आपके पास आर्टरी आ रही है, ये आपके पास एक वेन है. आर्टरी और वेन आपस में इंटरकनेक्टेड है. आर्टरी और वेन आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड. और ये जो इंटरकनेक्शन है, ये जो जंक्शन है, ये किससे बना है? बहुत ही थिन वॉल्ड वेसल्स, कैपिलरीज से. कैपिलरीज इसलिए इतने थिन वॉल्ड है क्योंकि जो चीजों का एक्सचेंज है अंदर बार, गैसेस या किसी भी चीज का जाना, वो किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू. सो कैपिलरीज आर वेरी थिन वॉल्ड वेसल्स जो कि एक्चुअली जंक्शंस है, और इन्हीं में से एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है. तो कहीं पे भी टिश्यू, सेल, जहां पे भी एक्सचेंज होना होता है, वहां पे आर्टरीज किसमें स्प्लिट हो जाती है? कैपिलरीज में. और फिर कैपिलरीज से बन जाती है वेन. तो ये हो गई आर्टरी, ये हो गई जंक्शन कैपिलरी, और ये हमारे पास है वेन. अब जो हार्ट है, हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स है. अभी मैंने आपको फिगर भी बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने ऐसे चार बॉक्सेस बनाए थे. वो एक्चुअली बॉक्सेस क्या थे? वो चार चैम्बर्स थे. तो हार्ट के अंदर हमारे पास चार चैम्बर्स हैं. ऊपर वाले चैम्बर्स को हम बुलाते हैं एट्रियम. तो हार्ट के अंदर दो एट्रियम है. आप एट्रियम भी कह सकते हो, आप ऑरिकल भी कह सकते हो, ठीक है. लोअर साइड पे ये क्या है? ये दोनों, दीज आर वेंट्रिकल्स. तो हार्ट में चार चैम्बर्स हुए, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल. ऊपर वाले आपको लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. आप ऑरिकल भी बुला सकते हैं. फिगर में भी देखिए, ये हमारा पार्ट है लेफ्ट ऑरिकल, ये वाला, ये नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला राइट ऑरिकल, और ये लोअर वाला राइट वेंट्रिकल. अब आप ये देखिए कि जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपस में ज्वाइंट तो है. अब ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल कनेक्टेड तो है नहीं, इनके बीच में एक सेपरेशन है ना. इस सेपरेशन को हम बुलाते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. इंटर मतलब ऑरिकल्स के बीच में, ऑरिक्यूलर मतलब ऑरिकल्स के, सेप्टम मतलब डिवीजन. ऐसे ही जो वेंट्रिकल्स है, इनके बीच में भी आप ये पार्ट देख पा रहे हो, ये भी ज्वाइंट नहीं है. इसको हम बुलाते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. मतलब दो वेंट्रिकल्स आपस में इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम से डिवाइडेड है. ऐसे ही जो ऑरिकल और वेंट्रिकल है, यहां पे भी आप देख पा रहे हो, यहां पे भी एक सेप्टम दिख रहा है. इसको हम बुलाते हैं इंटर एवी सेप्टम, ऑरिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, ठीक है. तो ये जो ऑरिकल तो हो गए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हो आप, इनको हम बुलाते हैं वॉल्व्स. इनको हम क्या बुलाते हैं? वॉल्व्स. तो जैसे ये आपके पास हो गए सेपरेशन, तो यहां पे हमारे पास ऐसे लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स है. वॉल्व्स एक्चुअली क्या होते हैं? फ्लैप लाइक. इनका सिर्फ काम ये रहता है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड.
मतलब जैसे ब्लड अभी आप आगे देखोगे यहां से यहां जाएगा, तो यहां से ब्लड वापस ना चला जाए तो ये सेप्टम इस चीज का ख्याल रखते हैं। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही, जैसे कि एवी सेप्टम में आपने वॉल्स देखे, ऐसे ही जो हमारी वेसल्स है जो ब्लड लेकर जाती है उनके अंदर भी वॉल्स होते हैं, जो हार्ट से निकल रही है इमीडिएट वेसल्स और हार्ट में आ रही, उनमें जो वॉल्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स, या आप सिर्फ वॉल्स भी बुला सकते हो। ठीक है, ये वॉल्स का काम भी सेम है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो आप समझ गए ना कि एवी सेप्टम में हमारे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम वॉल्स बुलाते हैं, उनका फंक्शन है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो हमारा राइट ऑरिकल है, अब जो हमारा राइट ऑरिकल है उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब देखिए हार्ट का काम क्या है, पंप करना है ना, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। पंप करने के लिए हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और रिलैक्स भी होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की जो मैसेज है या जो इम्पल्स आप कह सकते हो, ये कहीं से तो जनरेट होगी ना, तो ये जनरेट किससे होती है, राइट ऑरिकल में कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बुलाते हैं, एस ए नोड, मतलब साइनो ऑरिकुलर नोड इसका फुल फॉर्म है। इसका काम क्या है, ये हार्ट में सबसे पहला पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। इसके अंदर कुछ आयन एक्सचेंज होता है जिसके कारण अपने आप एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है जिससे हार्ट के अंदर फर्स्ट आप कह सकते हो इम्पल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की अराइज करती है, फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हार्ट के अंदर मूव करती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नोड इज पेस मेकर ऑफ आर हार्ट। ऐसे नोड क्या है, हमारे हार्ट का पेस मेकर। क्यों, बिकॉज इट इज फर्स्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन आर हार्ट। अब हम इसकी थोड़ी वर्किंग देखते हैं। अब जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो हमारा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर फिल होता है। हार्ट में हमारे लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड फिल होने लगता है। ये ब्लड कहां से आ रहा है, प्योर ब्लड, ये ब्लड आ रहा है लंग्स से। कौन लेकर आ रहा है, अभी के लिए आप याद रखो कि एक वेसल लेकर आ रही है। वो वेसल कौन सी है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्योर ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल के अंदर भरता रहता है। तो जैसे जैसे ब्लड भरता है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम मतलब बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड के कारण प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लूइड है ब्लड एक, तो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस प्रेशर से ये जो वॉल्स है ये ओपन हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई चीज में ऊपर प्रेशर होगा तो डाउनवर्ड प्रेशर लगेगा, तो ये चीज खुल जाएगी ना ये फ्लैप्स, और ब्लड का मूव करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल भरने लगेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल भरने लगेगा तो आप कहोगे, कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड अब उसमें भी इंक्रीज कर रहा है, उसके कारण प्रेशर वहां भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब जब प्रेशर यहां पे इंक्रीज होगा उससे ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, उससे वॉल्व क्या हो जाएंगे, ब्लड बंद। ठीक है, अब यहां पे जब ब्लड भरता जाएगा तो यहां से एक वेसल निकल रही है जो कि ये बैक व्यू में आपको दिखा रखी है, रोटा। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ अ बॉडी, लार्जेस्ट वेसल ऑफ अ बॉडी इज अरोटा। इस अरोटा में जैसे सपोज ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक वेसल निकल रही है और यहां पे भी इसके एक वॉल्व है। अब यहां जब प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड फिल करने लगेगा, तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन, ब्लड वेसल के अंदर आ गया। वेसल में जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये वेसल में आ गया, ये अरोटा आगे फाइनली आप कह सकते हो और छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है। अरोटा खुद भी एक आर्टरी है, एक लार्जेस्ट आर्टरी है जो हार्ट से निकल रही है, जो सबसे पहले ब्लड ला रही है, प्योर ब्लड, उसको हमने अरोटा बोला। वो आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है छोटी छोटी आर्टरीज में, जिनको हम आर्टरीज, फर्दर आप और छोटी आर्टरीज को आर्टरियोल्स भी बुला सकते हो, और फाइनली इनटू कैपिलरीज। हमने बात की थी कि कोई भी टिश्यू या ऑर्गन के पास आर्टरी किस में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज पे। अब कैपिलरीज के थ्रू चीजों का एक्सचेंज हो जाएगा। सपोज ये आपके पास आर्टरियोल हो गई, ये कैपिलरी बन गई, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन इधर चली गई, CO2 अब इसके अंदर आ गई। अब यहां पे आपका ब्लड क्या बन गया, इम्प्योर। अब ये कैपिलरी मिलकर क्या बनाएंगी, छोटी छोटी वेन्स, इट विल फॉर्म स्मॉल वेन्स। ये स्मॉल वेन्स अलग अलग पार्ट से मिलकर क्या बनाएंगी, और बड़ी वेन्स। तो ऐसे हमारी बॉडी में तीन बड़ी वेन्स बनती हैं जो अलग अलग पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही हैं, सुपीरियर वेना कैवा,
इंफीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है. सुपीरियर वेना कैवा इम्प्योर ब्लड कहां से लेकर आती है? फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब हार्ट से ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है बॉडी का, उससे जो इम्प्योर ब्लड छोटी छोटी वेन्स मिलकर बना है वो एक बड़ी वेन में आ गया है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, सुपीरियर वेना कैवा. ऐसे ही जो लोअर पार्ट से, हार्ट के नीचे जो बॉडी पार्ट है हमारा नीचे लेग से, वो जो इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है लोअर पार्ट से, सारी वेन्स ने मिलकर एक बड़ी वेन बना दी है, दैट इज इन्फीरियर वेना कैवा. और हमारी बैक साइड से जो लेकर आ रही है दैट इज पोस्टीरियर वेना कैवा. अब ये तीनों वेन्स, बिगर वेन्स मिलकर एक कॉमन वेन बनाती हैं, और वो ब्लड किस में पोर करती है, इम्प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में. देखते सो ऑल दीज वेन्स यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन वेन दैट ओपन अप इनटू अ राइट एट्रियम. अब यहां पे सारा इम्प्योर ब्लड आ गया है, ठीक है. ऐसे ही यहां पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे जैसे ब्लड वेसल से आएगा वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, उससे ये सेप्टम के वॉल्स खुल जाएंगे. नाउ ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू राइट वेंट्रिकल, जैसे कि लेफ्ट साइड हुआ था वैसे ही सेम राइट साइड भी हो रहा है, ठीक है. अब राइट वेंट्रिकल में वैसे ही प्रेशर बढ़ा, उससे ये जो ब्लड है इट विल फ्लो इनटू लंग्स थ्रू अ वेसल फॉर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां पे जाता है, लंग्स में ही जाता है ना, लंग्स में ही उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है, और फिर लंग्स से ही वो ब्लड हमने पढ़ा कि लेफ्ट एट्रियम में आ रहा था. तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है. अब ऐसा नहीं है कि भी लेफ्ट साइड अलग से काम करती है राइट साइड अलग से काम करती है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इकट्ठी काम करती है. मतलब जब लेफ्ट एट्रियम प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में डालता है, उसी टाइम राइट एट्रियम भी राइट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड डालता है. मतलब एट्रियम इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं. जैसे ब्लड प्योर ब्लड अरोटा में जा रहा है, वैसे ही इम्प्योर ब्लड उसी टाइम हार्ट में भी आ रहा है वेन से. मतलब सारी साइड्स लेफ्ट और राइट इकट्ठी काम करती है. पर ताकि हम आसानी से पढ़ पाए इसको, हम एक साइकिल की तरह पढ़ते हैं, तो हम लेफ्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड तक पढ़ते हैं. अब आप देखिए, जो यहां से इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही थी वो भी एक वेसल है, और आपको पता है इम्प्योर ब्लड कौन कैरी करता है, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज कैरिड बाय वेन. और जो प्योर ब्लड लेकर आ रही थी वो ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, इट शुड बी आर्टरी, इट शुड बी आर्टरी. पर ऐसा नहीं है, यहां पे एक एक्सेप्शन है हमारे पास. जो इम्प्योर ब्लड लेकर जा रही है दैट इज नॉट वेन, दैट इज आर्टरी, और इस आर्टरी को हम बुलाते हैं पल्मोनरी आर्टरी. और ऐसे ही जो यहां पे प्योर ब्लड लेकर आ रही थी वो होनी चाहिए थी आर्टरी, बट इट इज एक्चुअली वेन कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन. ये एक्सेप्शन इसलिए लिया गया क्योंकि हमने आर्टरी में दो बातें पढ़ी थी कि आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है और अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करती है, और वेन प्योर ब्लड कैरी करती है और टूवर्ड्स हार्ट कैरी करती है. तो यहां पे वो दोनों बातें, दोनों कंसेप्ट हम फॉलो नहीं कर सकते थे, एक कंसेप्ट को रॉन्ग होना ही था. तो हमने कौन से कंसेप्ट को फॉलो किया कि आर्टरी जो है वो ब्लड हमेशा अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाती है और वेन्स टूवर्ड्स हार्ट लेकर आती है, ठीक है. तो आप याद रखिएगा इसको. तो इसका मतलब जो ब्लड है वो फ्लो करता है लंग्स से हार्ट में, लंग्स से हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से टिश्यू में जाता है, ऐसे ही वापस टिश्यू से हार्ट में आता है और फिर हार्ट से वापस से लंग्स में जाता है प्योर होने के लिए. तो जो लंग्स और हार्ट का एक्सचेंज है आपस में उसको हम बुलाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ऐसे ही जो हार्ट और टिश्यू का एक्सचेंज है उसको हम बुलाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. अब क्योंकि हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेट हुआ वो ट्वाइस हुआ, दो बार हुआ है ना, लंग से हार्ट में, हार्ट से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट, हार्ट टू लंग, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, डबल सर्कुलेशन. तो आप समझ गए कि डबल सर्कुलेशन क्या है. इट इज एक्चुअली अ सम ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड द रीजन बिहाइंड बिकॉज ब्लड इज सर्कुलेटेड ट्वाइस थ्रू हार्ट. अब हमारे पास है ईसीजी. अगर हमें कभी भी कुछ हार्ट में प्रॉब्लम लगती है या कुछ हार्ट बीट मिस होती लगती है या कुछ भी इस तरीके हार्ट रिलेटेड हमें प्रॉब्लम लगती है, तो हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं दैट गो फॉर ईसीजी, ठीक है. तो व्हाट इज एक्चुअली ईसीजी? इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इट इज नॉट ग्राम, इट इज ग्राफ. मैं आपको समझाती हूं किस तरीके से. ग्राफ इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटेड इन हार्ट. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो आपके हार्ट में जनरेट होती है.
ईसीजी के अंदर एक मशीन का यूज होता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो. इस मशीन के साथ इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं, एक रबड़ की तारे जिनके आगे पैड्स लगे होते हैं, वैक्यूम पैड्स. तो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको चेस्ट के साथ या फिक्सिंग जेल, जैसे ये इलेक्ट्रोड आ रहा है इसके आगे पैड है, या फिक्सिंग जेल लगाकर इसको पेशेंट की चेस्ट के साथ लगा देते हैं एंड पेशेंट इज जस्ट सेड टू रिलैक्स. फिर उसके बाद ये इम्पल्सेस रिकॉर्ड करती है मशीन और वो एक शीट ऑफ पेपर की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में निकलता रहता है, जैसे कि ऐसे. दिस इज अ शीट ऑफ पेपर और ये इस पे ऐसे ग्राफ बनता रहता है. इस ग्राफ को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और वो जो ग्राफ बना था उसको हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं और जो ये बनता है दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारी हार्ट बीट है, जो हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, वो सही चल रही है कि नहीं. आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि अगर कोई पेशेंट, कोई हीरो की डेथ हो रही होती है तो एकदम से ऐसे बीट्स आ रही होती है और फिर वो फाइनली एक लाइन बन जाती है, इसका मतलब हार्ट पंप करना बंद कर जाता है और पर्सन डेड हो जाता है. सो दिस इज एक्चुअली यू कैन से इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारी हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करता है. अब हमारे पास है ब्लड प्रेशर. अब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी प्रेशर से पंप कर रहा होगा. तो इट इज एक्चुअली अ प्रेशर थ्रू विच यू कैन से विच ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ वेसल. इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को. दिस इज कॉल्ड एज सिफगैमो मैनोमीटर. ये एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और बच्चों को अक्सर इसका नाम याद नहीं होता. तो आप याद रखिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं. तो जो ये हार्ट पंप कर रहा है ब्लड उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है. जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा होता है आर्टरीज में एज कम्पेयर टू वेन्स. तभी हमने बात की थी कि जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा है, इसी वजह से जो आर्टरीज है वो थिक वॉल्ड होती है. दो तरह के प्रेशर्स जनरली हमारी बॉडी में होते हैं. वन इज सिस्टोलिक, मतलब वो प्रेशर जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, एंड डायस्टोलिक जो प्रेशर रिलैक्सेशन की वजह से होता है. क्योंकि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, रिलैक्सेशन भी होती है. आप कह सकते हो पहले हार्ट क्या करता है, हार्ट इज एट सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फॉलोड बाय डायस्टोल मतलब रिलैक्स. और ये आपको पता है एक ऐसा पार्ट भी होता है ज्वाइंट डायस्टोल, जिस समय एक कुछ सेकेंड का टाइम जब पूरा हार्ट रिलैक्स होता है, दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल. तो हमेशा पहले सिस्टोल होगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसके बाद डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होगी. तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स कर जाएंगे. और एक ऐसा टाइम आएगा जब हार्ट क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल फुली रिलैक्स. दिस इज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स बट स्टिल इट इज देयर. जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हमारा, दैट इज 120/80 mm ऑफ मर्करी. अपर बॉडी का 120 एंड लोअर इज 80 mm ऑफ मर्करी इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कि हमारी बॉडी का होता है. इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इस पे बहुत ज्यादा फर्क हो तो ऑब्वियसली आपको ब्लड प्रेशर लो या हाई कुछ डिसऑर्डर हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर को हम एक टर्म से बुलाते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है. और ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते. ऐसे ही हमारी बॉडी में एक और सिस्टम, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, तो सर्कुलेशन के लिए हमारे पास सिस्टम है लिम्फैटिक सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम में जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड था, ऐसे ही लिम्फैटिक सिस्टम में सर्कुलेट जो करेगा चीजों को, दैट इज दैट फ्लूइड इज लिम्फ. लिम्फैटिक सिस्टम में हमारे पास है लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज और फ्लूइड लिम्फ. जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो तो ये हमारे पास है लिम्फ वेसल्स और ये जो आप बिल्कुल बारीक बारीक सी वेसल्स देख रहे हो, दीज आर लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है. और इसके अलावा ये आपको बॉडी पार्ट्स दिखा रखे हैं, ये आप फैमिलियर हो, यहाँ पे हमें इनका कुछ नहीं करना है. अभी हम सिर्फ लिम्फैटिक सिस्टम पे ही फोकस करेंगे और इन सारी वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है दैट इज लिम्फ. अब ये जो लिम्फैटिक सिस्टम है किस तरीके का होता है, लिम्फ कैपिलरीज पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं. बट जो कैपिलरीज थी, ब्लड कैपिलरीज, उनके एक साइड पे आर्टरीज और एक साइड पे वेन्स थी. लेकिन यहां पे ये जो कैपिलरीज हैं ये इस तरीके से है, मतलब दे आर ब्लंट फ्रॉम वन एंड, एक साइड से वो बंद है.
और ये कैपिलरीज मिलकर बड़ी वेसल्स बनाती हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, लिम्फ वेसल्स. लेट्स से ये कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी हो गई. दे यूनाइट टू फॉर्म अ बिगर वेसल विच इज लिम्फ वेसल. लिम्फ वेसल पे कई कई जगह पे हमारे पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, दीज आर लिम्फ नोड्स. इन लिम्फ नोड्स में स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, जिनका काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि WBCs का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है. और इन वेसल्स में जो फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज लिम्फ. अब फंक्शन क्या है लिम्फ का, जैसे ब्लड का आप काफी फंक्शन पढ़ चुके हो, तो लिम्फ का फंक्शन क्या है, इट कैरी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, और दूसरा इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है. इसके अलावा थोड़ा बहुत चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी रहता है, जो आप कह सकते हो हमारी जो यूजफुल चीजें हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा बहुत उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ही होता है. ऐसे ही अब प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि प्लांट में भी तो चीजें कहीं और है और उनका काम कहीं और हो रहा है. जैसे रूट पानी को एब्सॉर्ब कर रही है, लेकिन पानी तो पूरे बॉडी में चाहिए ना, प्लांट की पूरे पार्ट्स में चाहिए. ऐसे ही फूड कहीं और बन रहा है लेकिन पूरे पार्ट्स में चाहिए. तो ट्रांसपोर्टेशन लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है जैसे कि हमारी बॉडी में वेसल्स वगैरह थी. तो इस प्लांट्स के लिए दो सिस्टम्स जो प्रेजेंट हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वन इज जाइलम, अदर इज फ्लोएम. जाइलम हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, और फ्लोएम हेल्प करता है फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये हमारे पास है फ्लोएम, ठीक है, मतलब जो फूड को पहुंचाएगा, और ये जो रेड पोर्शन है दिस इज जाइलम. जाइलम और फ्लोएम को इकट्ठे नाम दे दिया जाता है वास्कुलर बंडल्स. इनको हम इकट्ठे भी एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज वास्कुलर बंडल्स. अब देखते हैं कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है. तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स पे हेल्प करता है रूट से पूरे प्लांट के पार्ट्स में, ठीक है. और जो फ्लोएम है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ट्रांसलोकेशन मतलब चेंज इन लोकेशन. जैसे कि आपको पता है फूड का बनता है लीव्स में, तो लीव्स से सारे प्लांट पार्ट्स में पहुंचाने को फूड को, उसको हम क्या वर्ड देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहते, हम उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. और फ्लोएम और जाइलम से तो आप फैमिलियर हो ही चुके हो, ये हमारे पास फ्लोएम है और ये हमारे पास जाइलम है. अगर अब हम जाइलम की डिटेल में बात करें तो जाइलम चार तरह के सेल्स से बनता है. इसमें चार कंपोनेंट्स हैं, ट्रेकीट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स. अब देखते हैं हम फिगर में, जैसे कि आप वेसल की बात करो, पहले हम वेसल देखते हैं, ठीक है, कि वेसल कैसे होती है. तो वेसल्स इस तरीके की होती है, मैं आपको बनाकर दिखाती हूं. दे आर फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स जॉइंट एंड टू एंड. एक डेड सेल्स के आपस में ज्वाइंट करने से ये ट्यूब बनी हुई है, लेकिन ये दोनों साइड से ओपन है, क्लोज नहीं है, ठीक है. और ये जो पोर्शन है जो मैं हमने बनाया यहां, दीज आर कॉल्ड एज पिट्स. फिगर में भी देख रहे हो, दीज आर पिट्स. ये किससे बने होते हैं वेसल्स, दे आर फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन. लिग्निन काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन पिट्स पे ये लिग्निन एब्सेंट होता है. तो वेसल्स आप समझ गए. ऐसे ही जो ट्रेकीट्स है, ट्रेकीट्स ये हैं, दे आर स्पिंडल शेप्ड. आप फिगर में देख ही पा रहे हो, स्पिंडल शेप्ड इनका स्ट्रक्चर है, मतलब साइड से नैरो है और बीच में वाइडर है, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड. इनके अंदर भी छोटे छोटे पिट्स लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो इनके अंदर भी पिट्स प्रेजेंट है. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स और जाइलम फाइबर्स हैं, जो नाइन्थ के अंदर हम पढ़ चुके हैं काफी डिटेल में कि ये क्या होते हैं. इन सब में से सिर्फ पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सारे कंपोनेंट्स डेड है, ठीक है. तो अगर आपको लिखना हो कि जाइलम वेसल्स क्या हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ये जाइलम वेसल्स है, तो इनके बारे में आप लिखोगे, दे आर फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स ज्वाइंट एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब, और इन ट्यूब्स के एंड्स क्या है, ओपन, और ये किससे बनाए, सेलुलोज और लिग्निन से. पर पिट्स जो पोर्शन मैंने आपको बताया था अभी, दीज आर एक्चुअली पिट्स. इस तरीके से एक बार और बना लेते हैं, ये जो पिट्स है ये सॉफ्टर पार्ट्स है और यहां पे लिग्निन एब्सेंट. ट्रेकीट्स हमारे पास स्पिंडल शेप्ड है,
क्लोज एंड्स हैं, साइड से नैरो हैं, बीच में वाइड हैं और इनके अंदर भी पिट्स प्रेजेंट है. पैरेन्काइमा हम जानते हैं दे आर लिविंग सेल्स विद न्यूक्लियस. अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता किस तरीके से. प्लांट के अंदर पानी के ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन को हम बुलाते हैं एसेंट ऑफ सैप. तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब है एक कॉन्टिन्यूस चैनल जो बन जाता है पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट के अंदर. मतलब रूट से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में इसको भेज सकते हैं. अब जैसे कि आप ये फिगर देख पा रहे हो तो मैं आपको एक फिगर बनाकर भी दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको और क्लियर हो जाएगी. हमारे पास इस तरीके से आउटर लेयर ऑफ रूट होती है. दिस इज आउटर लेयर ऑफ रूट. इस लेयर को हम बुलाते हैं एपीडर्मिस. इस लेयर को हम क्या बुलाते हैं, एपीडर्मिस. आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपीडर्मिस. इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है क्यूटिकल और ये हमारे पास होता है रूट हेयर. दिस इज रूट हेयर और यहां पे है सॉइल पार्टिकल्स. अब एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास सिक्स लेयर्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, कॉर्टेक्स. जैसे कि आपको इस फिगर में दिखा रखे दिस इज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद आ जाती है हमारे पास जाइलम वेसल, जो वेसल पूरे प्लांट के अंदर इंटरकनेक्टेड है. जैसे कि ये वेसल हमारी रूट की है, इट इज जाइलम वेसल ऑफ रूट इज कनेक्टेड विद जाइलम वेसल ऑफ लीफ. ठीक है, अब ऐसे ही लीफ का स्ट्रक्चर है. लीफ के यहां पे क्या है, आउटर एपिडर्मिस, यहां पे क्यूटिकल, ये हमने न्यूट्रिशन में भी डिस्कस किया था, स्टोमेटा, यहां पे अंडरलाइंग सेल्स. इस तरीके से पूरा रूट उसका लीफ का स्ट्रक्चर है. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, ये एपिडर्मिस हो गया, ये स्टोमेटा, ये हमारी वेसल हो गई. ठीक है, इस तरीके से. अब क्या होता है जब सन रेज होती है, जब क्या होती है सन रेज, तो ये स्टोमेटा का पोर खुल जाता है. जब ये स्टोमेटा का पोर खुल जाता है तो यहां से पानी इवेपोरेट होने लगता है, ट्रांसपायर होने लगता है. अब जब स्टोमेटा से पानी निकल जाएगा तो वो पानी कहां से खींचेगा, अपने नीचे वाले सेल से, क्योंकि कोई भी चीज हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव कर रही है. सन की वजह से पोर तो खुला ही है, पानी कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट हो रहा है. अब जब स्टोमेटा का पानी खत्म हो गया तो वो नीचे वाले सेल से खींचेगा, नीचे वाले सेल्स अपने आसपास वाले सेल्स से खींचेंगे, तो फाइनली पानी कहां से जाएगा, जाइलम वेसल ऑफ लीफ से. अब जब जाइलम वेसल ऑफ लीफ से पानी चला जाएगा तो यहां पे जो वाटर का प्रेशर या वाटर का कंसेंट्रेशन है वो काफी लो हो गया, या पानी की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो काफी लो हो गया. लेकिन रूट की जो जाइलम वेसल है, जो रूट की जाइलम वेसल है, अभी यहां पे फिर भी पानी है. मतलब जाइलम वेसल ऑफ रूट का जो प्रेशर है पानी की वजह से वो काफी हाई है. और कोई भी चीज हाई टू लो जाती है तो ये पानी रूट से जाइलम वेसल ऑफ लीफ में मूव करने लगेगा. अब जब यहां से मूव कर जाएगा तो यहां का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लो. अब वो अपने नीचे वाले सेल से खींचेंगे, मतलब कॉर्टेक्स से. फाइनली ये पानी कहां से खींचा जाएगा, रूट हेयर के थ्रू सॉइल पार्टिकल से. तो एक कॉन्टिन्यूस चैनल बन गया ना, कि रूट हेयर्स सॉइल से पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉर्टेक्स से होता हुआ, जाइलम वेसल ऑफ रूट से होता हुआ, लीफ के अंदर आता हुआ, पूरे सेल्स में से स्टोमेटा से बाहर ट्रांसपायर हो रहा है. सो दिस इज अ सेंट ऑफ सैप. मतलब एक कॉन्टिन्यूस चैनल जो बन चुका है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का रूट से एरियल पार्ट्स. तो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल. तो आप कैसे लिखेंगे इसको, एज स्टोमेटल पोर्स ओपन वॉटर स्टार्ट्स ट्रांसपायरिंग ड्यू टू विच दे विड्रॉ वॉटर फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स विच फर्दर विड्रॉ फ्रॉम अंडरलाइंग सेल्स. अल्टीमेटली द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ जाइलम वेसल ऑफ लीफ फॉल्स. लीफ के जाइलम वेसल का प्रेशर खत्म हो गया क्योंकि यहां पर पानी का लेवल खत्म हो गया. बट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज स्टिल हाई इन जाइलम वेसल ऑफ रूट. सो वॉटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम जाइलम वेसल ऑफ रूट टू लीफ. अभी हमने पढ़ा भी है कि यहां से पानी यहां पे ट्रेवल होने लगा. नाउ द प्रेशर इन जाइलम वेसल ऑफ रूट फॉल्स, क्योंकि जब पानी चला गया तो वहां भी पानी कम हो गया तो वहां का प्रेशर भी लो हो गया. देयरफॉर दे विल विड्रॉ वॉटर फ्रॉम अंडरलाइंग सेल्स,
जो कि अंडरलाइंग सेल्स है हमारे पास, रूट खींचेगा वाटर कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस रूट हेयर से, और रूट हेयर फाइनली कहां से लेंगे? पानी, सॉइल से. सो दिस इज हाउ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज हाउ द चैनल इज फॉर्म्ड. कैपिलरी वाटर रूट हेयर के अंदर, रूट हेयर से कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, जिसके अंदर हमारे आप कह सकते हो इनर पोर्शन होते हैं जिनको हम हायर क्लास में डिस्कस करेंगे. एंडोडर्मिस से, ये जो दो पार्ट्स हमने एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल है, अभी आप इनको बेशक स्किप कर दीजिए और आप डायरेक्टली कॉर्टेक्स से रूट जाइलम जो कि वेसल है, देन स्टेम की जाइलम, लीव्स, और लीव्स से वो क्या हो रहा है, ट्रांसपायर. सो दिस इज द पाथ विच इज फॉर्म्ड फॉर द असेंट ऑफ सैप. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, why is it necessary to separate oxygenated blood and deoxygenated blood in mammals and birds? See, mammals and birds are warm blooded animals, so to keep the body warm, heat has to be produced continuously in their body. The rate of respiration is also higher in mammals and birds, so to supply sufficient oxygen to body cells, the left ventricle of heart supplies oxygenated blood to body tissues. It never mixes with deoxygenated blood of right ventricle because of carbon dioxide. So this is essential to provide higher energy as per their demand. Next question we have is, what are the components of transport system in highly organized plants? Plants have vascular tissues. These tissues are continuous tubes that conduct materials in dissolved form in water medium rapidly through plant's body. These tissues are xylem for the transportation of water and minerals, and phloem for translocation of food. Next question is, how food is transported in plants? प्लांट्स में फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? सी, फूड इज फॉर्म्ड इन ग्रीन लीव्स. दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम एंड इट इज डन बाय यूटिलाइजिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स व्हिच क्रिएट्स ऑस्मोटिक प्रेशर दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. द एक्सेस फूड is carried to storage part of roots and fruits where it is stored. Next question is, describe double circulation in humans and why is it necessary? See, as the blood is circulated twice through heart, that is from lungs to heart and then heart to tissue, and the same way it returns, so in doing so, it passes twice through heart. Therefore, the circulation is double circulation. Next, we have differentiate between xylem and phloem. See, xylem transports water and minerals. Phloem translocates food. Xylem is formed of vessel and tracheids. Phloem is formed of sieve tubes. The force responsible here is transpiration pull. And the force responsible here is increase in osmotic pressure. Xylem, it is only in upward direction. The movement is in one direction. But phloem is two-way pathway. Thank you for watching this video. And for more videos, subscribe to SuccessCDs Education. Thank you.